कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में जो है हम क्लास 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके बारे में यहां पे हम बात कर लेते हैं, जिसका कोड है 241। राइट, अभी जो है सीबीएसई ने अपने सिलेबस जो है अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे, जो कि 2020 से लेकर 2021 के लिए है। तो इसी के बारे में हम जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं। न्यू सिलेबस आ चुका है, तो इसी सिलेबस को हम देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें चेक करेंगे कितनी यूनिट्स है और किस हिसाब से जो है यहाँ पे सिलेबस में चैप्टर्स और उसकी मार्किंग दी हुई है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बताना ज़रूर चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। राइट, और टेलीग्राम के जो क्लास 11th का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसे ज़रूर ज्वाइन करें, जैसे कि इसकी मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ और कोई भी अदर जो स्टडी मटेरियल्स रहता है वो भी वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा सके। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे सोशल मीडिया के लिंक हैं, तो यहाँ से आप देख के फॉलो कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे एक ग्रुप मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक ये लिंक है। राइट, @ लगा के क्लास 11th VEDU आप सर्च कर सकते हैं। राइट, डायरेक्ट हो जाता है सर्च, या फिर लिंक से भी आप जा सकते हैं जो कि वीडियो के नीचे है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये जो टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपका यूनिट वाइज यहाँ पे बताया गया है कितनी यूनिट्स हैं और उनकी जो मार्क्स जो हैं वो किस यूनिट के कितने मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। आपको पता है कि आपका जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। राइट, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें पहली यूनिट जो है वो है 9 नंबरों की, सेकेंड यूनिट जो है वो है 10 मार्क्स की। पहली यूनिट जो है वो थी नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। राइट, सेकेंड यूनिट जो है वो है एलजेब्रा, जो कि 10 मार्क्स की है। तीसरी यूनिट जो है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि 6 मार्क्स की है। उसके बाद है फोर्थ कैलकुलस, जो कि 10 मार्क्स का है। फिफ्थ जो है प्रोबेबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स का है। फिर सिक्स जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, जो 12 मार्क्स का है। सेवन्थ यूनिट जो है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो 18 मार्क्स का है। राइट, देन उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 5 मार्क्स का है। टोटल जो हो जाता है 80 मार्क्स का ये हो जाता है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। राइट, तो ये जो है आपका यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हर यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली यूनिट जो है नंबर्स को एंड क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। राइट, इसमें तो इसमें जो दिया हुआ है वो आपको पढ़ना होगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, एनक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंडिसेस, लॉ एंड लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। राइट, लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज, कैलेंडर, क्लॉक टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। राइट, ये सभी जो है आपको इसमें पढ़ना होगा इस यूनिट में। उसके बाद है सेकंड यूनिट, जो कि अलजेब्रा, जिसमें आपको सेट्स के बारे में, टाइप ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉज, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग वेन डायग्राम्स, रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस, देन परमुटेशंस, सर्कुलर परमुटेशंस, परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस, राइट, कॉम्बिनेशंस विद स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये सेकंड यूनिट में था। उसके बाद है थर्ड यूनिट, जो कि है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिकली
एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स, कनेक्टिंग वर्ड्स फ्रेजेस इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट, इसके बारे में, एंड स्टेटमेंट कंसोलिडेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन इम्प्लाइज एंड और इम्प्लाइड बाय एंड और देयर एग्जिस्ट एंड देयर यूज थ्रू वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द रियल लाइफ एंड मैथमेटिक्स. उसके बाद है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशन एंड सिलोजिज्म, राइट. तो ये थर्ड यूनिट हो जाती है. उसके बाद आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे जो कि कैलकुलस. यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोड्यूसिंग फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, राइट, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, तो इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज, डिफ्रेंसिएशन एज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस यूजिंग चेन रूल, टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स. ये आपका फोर्थ यूनिट्स में है जो कि कैलकुलस है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि फिफ्थ यूनिट है, जिसमें है प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको पढ़ना होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, सैम्पल स्पेस के बारे में, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनके बारे में, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम, राइट. ये आपका फोर्थ यूनिट है. उसके बाद सिक्स्थ यूनिट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, जिसमें टाइप ऑफ डाटा, राइट, रॉ डाटा, यूनिवेरिएट डाटा, वेरिएट डाटा, राइट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डाटा, डाटा ऑन वेरियस स्केल्स, नॉमिनल और ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो स्केल, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, राइट, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, डेविएशन, वेरिएंस, स्क्वीजनेस, राइट, कर्टोसिस, ये परसेंटाइल रैंक एंड क्वार्टाइल रैंक, कोरिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यूजिंग रियल टाइम डाटा. तो ये सभी जो है चीज़ें आपको पढ़नी है सिक्स्थ यूनिट में. उसके बाद आते हैं हम सेवन्थ यूनिट पे. सेवन्थ यूनिट जो है उसमें है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. अब इसमें जो आपको पढ़ना है वो है इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में, एक्यूमुलेशन विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स विद इक्विवेलेंसी, राइट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, इसके बारे में, एन्युटीज, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर, राइट, एन्युटीज अप टू थ्री पीरियड, टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, राइट, जीएसटी है इसमें, बिल्स, टैरिफ रेट्स, फिक्स्ड चार्ज, सरचार्ज, सर्विस चार्ज, ये क्या होता है, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, अदर सप्लाई बिल. जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसके अंदर आपको ये डिटेल में जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी, जिसमें टैरिफ प्लान्स, राइट, बिल और टैरिफ रेट्स क्या होते हैं, फिक्स चार्जेस क्या क्या होता है, सर चार्जेस क्या होता है, सर्विस चार्जेस क्या होता है, ये इंक्लूड रहते हैं इन सब बिलों में, जो पानी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राइट. तो उसके बारे में आपको जो है
उसमें बेहतर जानकारी प्राप्त होगी और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आएंगी आगे जाके भी, राइट। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। उसके बाद ये हमारी जो पीछे थी ये 7th यूनिट थी, अब है 8th यूनिट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें है स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे जो है आपको ये ज़रूर पता लगा होगा कि किस तरह का आपका इस सब्जेक्ट का अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस है और किस तरह यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा जैसे कि आपके जो है आसानी हो और आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। यहाँ पे जो है ये लिंक दिया हुआ है, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, राइट। जैसे ही कोई भी वीडियो बनती है या कोई भी पोस्ट आता है या PDF हमारे पास कोई भी रहती है फॉर्मूले से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो सेम क्लास में, उन्हें ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं तो आप जो है आसानी से डिस्कशन के थ्रू आप अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे से भी, या सेम कंटेंट आप पढ़ते हैं तो आपका जो है पढ़ाई में जो है अच्छा एक परफॉर्मेंस रहता है। सभी जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के उन पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस ID को डाल के, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।